देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ऑडियो टेप्स का तस्करा कर रहे थे प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन ये ऑडियो टेप्स इस बार फिर से लीक हुई और एक और दिन एक और नई ऑडियो टेप मंजर आम पे। खान साहब की इस ऑडियो टेप में क्या कहा गया, आइए पहले वो सुनते हैं। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मेरा, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेट सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग कर लेते हैं, अगर आपको याद है ना तो आखिर में उसमें बस अगर लिखा हुआ था कि डिमांड दिमाग है तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन इंटरनल मीटिंग में जो मैंने रात बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे तो आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल करेश और फॉरन सेक्रेटरी को शामिल करेश करेंगे कि लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दूँ, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा। फिर फॉरन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरन सेक्रेटरी ने ये चीज सुना दी, इसमें ये था एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट को कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लेवल में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये कि अस्टर की चीजें वो देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाए इसमें शाह महमूद आप में से बस ठीक है, ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद डिपेंड हो गए ये कौन सा फोटो स्टेट है, वो पहले तो सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर सहमोज में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रेकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं, और फॉरेंसिक भी सुनाए ताकि वो ना हो तो पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आएगी। ये नहीं सुना था नहीं तो वो स्लिप पर लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास वो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने कहा तो आपने ऑडियो टेप सुनी, और इस ऑडियो टेप के हवाले से क्या असर होगा पाकिस्तान की सियासत पे, ये मौजूदा ऑडियो टेप्स का जो सिलसिला जो थम नहीं रहा, इन ऑडियो टेप्स के बाद पाकिस्तान की सियासत किस तरफ बढ़ेगी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब काजी समी साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब पाकिस्तान की तारीख में लीक्स का जो सिलसिला है वो पुराना है, ज्यादा नया भी नहीं है, और हर बार हम देखते हैं कि जब भी ये कोई लीक होती है तो कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। इस बार ऑडियो टेप्स का जो मामला नजर आ रहा है ये किस हद तक पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा रहा है? सबसे पहले शुक्रिया मुनीर, आपने मुझे लाइन पर लिया। जहां तक ऑडियो लीक्स का मामला है, और पाकिस्तान में आपने देखा इससे पहले लीक्स होती रही हैं, वीडियो भी लीक्स होती रही हैं, ऑडियो भी लीक्स होती रही हैं, या अब ये आलमी सतह पर ना इस तरह की चीजें अब जो है वो मामूल बनती जा रही है। आपने देखा पेपर लीक्स होना और ये वो डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेजात का लीक होना, फिर वीडियो और ऑडियो का लीक्स होना, तो अब ये फ्रोमिना बन रहा है दुनिया भर में इस तरह की चीजें जो है वो, जब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है और बहुत ज्यादा आम हुआ है तो ये चीजें आती हैं। जहां तक आपका सवाल है कि ऑडियो लीक्स का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, क्या कोई तब्दीली आती है, देखो तो तब्दीली तो जो इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स है उसके हवाले से जो तब्दीली आई वो मामला कुछ और था। अब जो ऑडियो लीक हुई है उसमें कोई तब्दीली की इसलिए गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त हुकूमत चल रही है और हुकूमत को गिराने के हवाले से या हुकूमत के तब्दील करने के हवाले से कोई सियासी प्लान भी वाजे नहीं है। तो लिहाजा अब जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो ऑडियो लीक्स के हवाले से एक आला सतह की कमेटी बना रहे हैं और वो तहकीकात करेगी ये मामला क्या है, लेकिन ये बड़ा हसास और संगीन नौयत का मामला है, इसको जो है बहुत ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है। इस पर जो है पहले सियासत को सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि वजाहत देनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है, ये है असल सवाल। लेकिन लेकिन काजी साहब अगर मैं सवाल पूछूं, आमतौर पर इस तरह की कोई एक आध गुफ्तगू का लीक हो जाना, एक आध वीडियो का लीक हो जाना एक अलग बात है, ये मुनज्जम तौर पे तमाम तर डेटा लीक हुआ और इसको मुनज्जम तरीके से रिलीज किया जा रहा है, यके बाद दीगरे हर रोज कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है, ताकि शायद लीक करने वाले का भी रुझान ये कि कोई इंटरेस्ट बना रहे, कोई पैगाम ऐसा है जो वो पहुंचाना चाहता है, कोई माइंड मेकिंग ऐसी है जो करने की कोशिश की जा रही है, आपको नहीं लगता ये सूरत हाल है? देखिए मुनीर, इसको आप लोकल सतह पर ना देखें, आलमी सतह पर भी ये ऑडियो लीक्स होना या पेपर लीक्स होना ये एक मुनज्जम कारोबार बन गया है। बिल्कुल, अब ये एक ऐसा कारोबार है जो दुनिया भर की आलमी पॉलिटिक्स को भी मुतासिर कर रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मुतासिर नहीं कर रहा बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी बड़ा मुतासिर जो है मुतासिर कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि अब किसी भी सतह पर, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या आपके जनूबी एशियाई ममालिक हो, इवन मगरिब के ममालिक हो, वहां भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है, यानी अब कोई चीज जो है वो महफूज नहीं रही है।
यानी हुकूमती सतह पर मामला भी जो है वो महफूज नहीं रहे और इस तरह अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है वो भी महफूज नहीं रही। जैसे इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके हवाले से जो आज ऑडियो लीक आई है तो उसमें आपने जो सुना जो कहा गया वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस तरह अगर ऑडियो लीक्स होती रही तो जो है आलमी सतह पर जो पॉलिटिक्स है जो लोकल सतह की पॉलिटिक्स है वो तो मुतासिर होगी होगी, लेकिन इस तरह के बहुत संगीन मसाइल पैदा होंगे। अब आप मुझे ये बताएं, इस ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस हमारा महफूज नहीं है जी, तो आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अब सिक्योरिटी इदारों के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ऐसे में अगर ऑडियो लीक्स होती रहती है तो क्या हम अपने जौहरी असासों के हवाले से कोई मीटिंग कर सकते हैं या इन कैमरा कोई मीटिंग कर सकते हैं, क्या वो इस हवाले से महफूज रहेंगी या नहीं रहेंगी? अब तो बहुत बड़े बड़े सवाल शुरू हो गए, ये पहले सियासत से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं और इस हवाले से कहां से ये खोज निकालते हैं कि ये ऑडियो लीक्स जो है वो कैमरे अपना रिकॉर्डर से हुई है या किसी मोबाइल फोन के जरिए हुई है या किस तरह हुई है या कौन सा सिस्टम अपनाया जा रहा है, तो अब इस हवाले से ये बात जो है बहुत आगे तक जाएगी, ये आगे तक जाएगी। लेकिन काजी साहब अभी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में और बहुत सी ऑडियो टेप्स हैं जो मंजर आम पे आएंगी, गालिबन जुमेरात जुमे तक का वक्त दिया गया है जिसमें मजीद ऑडियो टेप्स का मंजर आम पे आना तय भी है और ये ऑडियो टेप जैसे ही सामने आती जाएंगी तो ये मजीद हलचल तो क्रिएट करेंगी कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि सियासतदान और सियासी जो दर्जा हरारत इसमें इजाफा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान की लोकल सियासत पर भी, फिर इंटरनेशनली भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए इंटरनेशनली तो मैंने आपको बयान किया पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा हलचल मचेगी क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही सियासत जो है वो तसादुम दर तसादुम की तरफ बढ़ रही है, यानी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तकसीम दर तकसीम है। फिर ऐसे में इमरान खान का जो सियासी रवैया है और उनका जो जहराना अंदाज है वो भी बड़ा इंपैक्ट रखता है इस हवाले से। फिर वो आप देखें ना, एक तरफ 13 से 14 नहीं है ना, यहाँ पे तो ये श्योरिटी नहीं है कि कब किसकी ऑडियो टेप लीक हो जाए और किस तरीके से लीक हो जाए, तो यहाँ पे तो कोई भी कॉन्फिडेंट अपने आपको महसूस नहीं कर रहा होगा ना। गुज़श्ता रोज देखे आपके वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला ने जिस तरह कहा कि उनके पास इमरान खान के हवाले से एक ऑडियो है और वीडियो है, अब वो वीडियो जो है वो देखी तो जा सकती है, दिखाई नहीं जा सकती किसी को, यानी आम पब्लिक नहीं की जा सकती। अब इस तरह की चीजें ऑडियो ही नहीं वीडियो भी आपके आप एक दूसरे के पास मौजूद है, लेकिन सवाल मुनीर वही है कि ये कर कौन रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। लेकिन अगर वजीरे दाखला खुद ये कह रहे हैं तो ये एक तरीके से एतराफ नहीं है कि वजीरे दाखला तमाम तो सूरतहाल को जानते हुए इसकी इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं एक तरीके से और इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि इकदाम हो रहे हैं? ये सवाल आपका वैलिड है, लेकिन इस सवाल को आप इस तरह भी ले सकते हैं, क्या वजीर दाखला इस हवाले से बेबस है कि वो अभी तक इनको यह नहीं मालूम कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है, यानी सिक्योरिटी इदारों में कहीं ना कहीं जो है। लेकिन काजी साहब एक बड़ा सवाल है कि इस्लामाबाद जाने वाले प्रोटेस्टर्स के लिए तो इतनी सारी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, इतने सारे इकदाम किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी की बात होती है तो फिर वही राणा सनाउल्ला साहब कोई दूसरे वजीर दाखिला साहब फिर वो बेबस नजर आते हैं, ये तो बेबसी की तस्वीर अलग ही नजर आ रही है कोई। यही तो पाकिस्तानी सियासत का या पाकिस्तानी समाज का सबसे बड़ा अलमिया है, यही ये वो ट्रेजेडी है जिस जब तक इस ट्रेजेडी को मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ पहलुओं से नहीं देखा जाएगा आप कोई भी जवाब उसका अखज नहीं कर सकते, यानी कोई भी वो जो है काबिले हल जो है नतीजा अखज नहीं कर सकते। अब ये आपने जो बुनियादी तौर पर जैसे कहा कि हुकूमत और हुकूमती एहलकार इस हवाले से बेबस नजर आते हैं, और जहां तक सिक्योरिटी का मामला है मैंने अपने एक आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया कि जो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज जो है बहरहाल अब सिक्योरिटी इदारों के लिए बहुत बड़ा अब जवाब भी इन्हीं लोगों ने देना है कि आया ऐसा क्या है। और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक जमाने तक एक अरसे तक हालत जंग में रहा है और उसे दाखिली और खारजी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, वो मुआशी तौर पर कमजोर हो रहा है, सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार है, ऐसे में अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं जो सिक्योरिटी से मुतालिक हो तो आप बताएं कि हम कहां खड़े होंगे। तो इसका नतीजा बहरहाल यही निकलेगा कि मुल्क का अदम इस्तेकाम भी जारी रहेगा, मुआशी बदहाली भी जारी रहेगी, तो आपको तो फिर कोई संभलने नहीं देगा, आपकी जो तो पॉलिसियां लीक हो रही है। ये बड़ा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है काज साहब कि अगर इस तरह की जब भी लीक्स होती हैं तो पहला तासुर तो यही जाता है कि इससे मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, लेकिन इस वक्त जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला दिखाई दे रहा है उसमें मौजूदा हुकूमत और मौजूदा ओपोजिशन पार्टी
तमाम तर स्टेक होल्डर इसमें बराबर के शरीक नजर आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरी कोर्ट के लिए कोई रास्ता बन रहा है या कोई दीगर मामला कहीं और तय किए जा रहे हैं? देखिए, तीसरी कोर्ट की गुंजाइश तो पाकिस्तान की सियासत में हर वक्त मौजूद रही है और वो मौजूद रखी जाती है, ठीक है, और तीसरी कोर्ट भी खुद को अपने आप को इक्तदार में लाने के लिए हमेशा से दस्तियाब होती है। ये सवाल यहां तक तो आपका वैलिड है, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है, माहौल क्या है, तो इस हवाले से कुछ मैं भी कहने से कासिर हूं कि यार कौमी मुफादात भी अपनी जगह है तो और मामलात भी अपनी जगह है, तो कौमी सियासत के तलाजुम में रहते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपकी सियासत ही नहीं बल्कि रियासती इदारे भी तकसीम दर तकसीम का शिकार है और वही उसी तकसीम का ये नतीजा है कि तो इस तरह की ऑडियो लीक्स और ये वो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर यही सूरत हाल इसी तरीके से जारी रही और कोई ऐसी ऑडियो लीक मंजरे आम पे आ जाती है तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए फिर दिन आगे के गिनना बड़े मुश्किल हो जाएंगे और हुकूमत का ये जो सफर है महदूद हो सकता है, क्योंकि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अक्सर लोग बहुत से अंदाजे भी लगा रहे हैं कि बहुत कुछ आ सकता है। खान साहब ने जो कुछ अमरीकी साजिश के हवाले से बात की, जो कुछ गुफ्तगू की, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ अभी आना बाकी है, तो अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से चलती है तो हुकूमत को ज्यादा मुश्किल का शिकार होना पड़ेगा? देखिए, या जहां तक ये सवाल आपका कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार होगी वो यकीनन होगी, लेकिन जहां तक हुकूमत की तब्दीली की बात है वो मैंने आपको पहले मरहले में ही बताया कि इस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जिससे हुकूमत तब्दील हो सके या हुकूमत को घर भेजा जा सके, ऐसा कोई पाकिस्तान में माहौल तब्दील होते देर कितनी लगती है? वो तो देखे ना, अभी दरमियान में हमने गुफ्तगू की कि एक ऐसी कुवत मौजूद रहती है जो हमेशा इक्तदार की तरफ बढ़ती है और इक्तदार के लिए दस्तियाब होती है, अगर वो कुवत इक्तदार में आना चाहती है तो फिर तो जाहिर है कुछ भी हो सकता है, उस पर बहस नहीं हो सकती, लेकिन जमहूरी अंदाज में आईनी अंदाज में आप देखें तो इस तरफ इस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं है पाकिस्तानी सियासत में कि हुकूमत तब्दील हो सके या हुकूमत को तब्दील किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काजी समी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में खासतौर पर जो सूरत हाल है बड़ी अहम है और ये दिलचस्प इस लिहाज से भी है कि हर रोज एक नई ऑडियो सामने आती है और इस ऑडियो का जो सोर्स है वो कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा। इस ऑडियो का लीक होना ये कैसे हुआ अभी तक इसका भी पता नहीं लगाया जा सका। वजीर आजम हाउस से ऑडियो का लीक हो जाना ये खुद एक बड़े सवाल या निशान की तरफ निशानदेही कर रहा है और ये एक बड़ा सवाल होगा कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि वजीर आजम हाउस और पाकिस्तान में जो इस तरह के मामला हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, आखिर वो उस वक्त कहां मौजूद थे। दूसरी जानब पाकिस्तान में जो सियासत का जो रुख है वो भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, ये सियासत का और ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना कुछ भी कबल इस वक्त है। और पाकिस्तान में फिजा की जहां बात होती है तो फिजा कब कहां तब्दील हो जाए, किसके हक में हो जाए और किसके खिलाफ हो जाए ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में अगर ये ऑडियो टेप्स का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा और कुछ इस तरह की ऑडियो टेप्स के हवाले से अभी बाजगश भी जारी है कि कुछ इस तरह के मामला सामने आ सकते हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दें तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मजीद सियासी बहरान का शिकार भी बनेगा। पाकिस्तानी सियासत जहां पे ऑलरेडी काफी सारे बहरानों से जूझती हुई नजर आती है वहां पे ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत को मजीद गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।